बैंगलोर में बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म, पीएम मोदी ने दिया समापन भाषण, नहीं बोले आडवाणी। पीएम ने समापन भाषण में आडवाणी की तारीफ की, ट्रेनिंग कैंप पर दिया जोर, कहा आडवाणी जी के वक्त ऐसे कैंप होने से मिलता था लाभ। मोदी ने काम पर ही ध्यान केंद्रित करने की दी नसीहत, कहा बड़े बड़े लोग आते हैं चले जाते हैं। मोदी ने गलत पर नेताओं को दी नसीहत, कहा संवाद से बेहतर होने से जनता के बीच अच्छा संदेश जाता है। संवाद पर पीएम मोदी ने क्रिकेट का दिया उदाहरण, कहा विदेशी खेल होकर भी बेहतर कमेंट्री के चलते लोकप्रिय हुआ क्रिकेट, देशी कबड्डी रह गई पीछे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द लास्ट 10 मंथ्स वाज आल्सो डिस्कस्ड। कार्यकारिणी की बैठक में सिगरेट के डिब्बों पर वैधानिक चेतावनी को लेकर बड़ा फैसला, डिब्बे के 60% हिस्से पर रहेगा चेतावनी भरा चित्र। ये मोदी ने सीधे तौर पर कहा संसदीय समिति में निजी हित वाले सांसद नहीं हूं। बैठक में जम्मू कश्मीर सरकार पर भी हुई चर्चा, बीजेपी पीडीपी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर राम माधव ने रखा प्रस्ताव, कहा अनुच्छेद 370 अभी भी एजेंडे में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बातचीत का दिया ब्यौरा, कहा 6 अप्रैल को मनाया जाएगा बीजेपी का स्थापना दिवस। जेटली ने बताया अप्रैल मई में देशव्यापी यात्राओं का है कार्यक्रम, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाएगी बीजेपी। 21 जून को योग दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म सदी पर बीजेपी ने तय किए हैं तमाम कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गोपाल अग्रवाल ने भूमि अधिग्रहण बिल पर दिया प्रेजेंटेशन, वेंकैया नायडू ने भी भूमि बिल पर बांटी बुकलेट। कांग्रेस ने सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी को लेकर मोदी सरकार पर किया वार, कहा कार्यकारिणी की नसीहत से साफ है कि कुछ सांसदों के टकरा रहे हैं निजी हित। हरियाणा में खट्टर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने अनिल विज ने आईएएस अशोक खेमका के तबादले का किया विरोध। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनकी प्रताड़ना की जा रही है उसका मैं विरोध कर रहा हूं। गोवा में फैब इंडिया के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी को लेकर उपजे विवाद में सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर ने फैब इंडिया का किया बचाव। वीमेन आर वेरी मच सेफ इन गोवा, इट इज द सेफेस्ट डेस्टिनेशन आई वुड क्लेम, बट दिस इंसिडेंट हैज ऑकर्ड, इट इज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। फैब इंडिया के गिरफ्तार चारों कर्मचारियों को मिली जमानत, मपूसा कोर्ट ने 5,000 के मुचलके पर छोड़ा। कोल्हापुर में भी फैब इंडिया के शोरूम में चेंजिंग रूम में मिला कैमरा, ताराबाई पार्क इलाके में था शोरूम। फैब इंडिया ने कोर्ट में दी दलील, ट्रायल रूम से बाहर था कैमरा, कैमरे में केवल ग्राहकों के सिर और गर्दन तक की तस्वीरें ही होती हैं कैद। बचाव में दी गई दलील, कैमरा लगाने का मकसद केवल ये नजर रखना था कि ग्राहक 3 से ज्यादा कपड़े लेकर ना जाए ट्रायल रूम के भीतर। बचाव पक्ष ने लगाई गई धाराओं पर भी कोर्ट में जताया एतराज, कहा जबरन आरोपियों को जमानत से वंचित रखने के लिए लगाई गई गैर जमानती धाराएं। गोवा में फैब इंडिया के स्टोर आज बंद, स्टोर में लगे जिस कैमरे को लेकर खड़ा हुआ बवाल, उस कैमरे की तस्वीर आई सामने। चेंजिंग रूम के ठीक सामने लगा था कैमरा, कैमरे का फोकस चेंजिंग रूम की तरफ, इसी कैमरे को देखकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था एतराज। गोवा के में खुफिया कैमरा मामले में जांच तेज, फैब इंडिया के सीईओ और एमडी समेत कुछ बड़े अधिकारियों से होगी पूछताछ, गोवा क्राइम ब्रांच के एसपी कार्तिक कश्यप ने दी जानकारी। फैब इंडिया स्टोर के मालिक की भी तलाश तेज, मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार, गोवा पुलिस के सभी थाने अलर्ट पर। सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कहा घटना के बाद गोवा के बारे में ना बनाएं गलत राय, गोवा में सुरक्षित है महिलाएं। पूरे मामले पर फैब इंडिया ने ट्वीट कर जताई हैरानी, कहा मामले की जांच में हर मुमकिन सहयोग करेगी कंपनी।
बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने दर्ज कराई थी शिकायत। गोवा पुलिस अब खंगाल रही है 2 महीने के पुराने फुटेज। तमाम पहलुओं की जांच जारी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ कुरियन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे चिट्ठे। गुड फ्राइडे की अनदेखी का लगाया आरोप। कल पीएम ने बुलाई थी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस। गुड फ्राइडे के दिन कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने को लेकर जताया एतराज। आज पीएम के डिनर को लेकर भी कुरियन को एतराज। कुरियन ने लिखा, कार्यक्रम तय करते वक्त सभी धर्मों के त्योहारों का रखा जाए ख्याल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, मोदी के राज में खुदकुशी की मंशा अब किसानों के मन में। तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मोदी कहते हैं तुम मुझे सब्सिडी दो, मैं अमीरों के टैक्स कम करूंगा। पीएम मोदी ने आज जजों और मुख्यमंत्री को डिनर का दिया न्योता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डिनर में करेंगे शिरकत। खटास के बीच केजरीवाल के नाम प्रशांत भूषण की खुली चिट्ठी। 28 मार्च को हुई आपकी एनसी मीटिंग समेत कई मुद्दों का जिक्र। चिट्ठी के जरिए प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर फिर से साधा निशाना। कार्यकर्ताओं को भड़काने का लगाया आरोप। कांग्रेस से समर्थन को लेकर प्रशांत भूषण ने किया खुलासा। लिखा, राहुल गांधी को मनाने के लिए केजरीवाल ने निखिल डे को कहा, लेकिन उन्होंने कर दिया था इनकार। प्रशांत भूषण ने चिट्ठी में जताई चिंता। लिखा, दिल्ली में 5 साल शासन से सपना पूरा नहीं होगा। आपके नाराज नेता प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को दी शुभकामनाएं। चिट्ठी के आखिर में लिखा, गुड बाय एंड गुड लक। पार्टी के एनसीसी निकाले गए अजीत झा ने भी प्रशांत भूषण की चिट्ठी पर की टिप्पणी। कहा, केजरीवाल जानते हैं कि आरोप गलत है और खास मकसद से लगाए गए। अजीत झा ने लगाया आरोप, अगर चारों नेताओं पर लगाए गए आरोपों में होता दम तो जांच कराने से पीछे नहीं हटते अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि जो सारी प्रक्रिया जिस ढंग से अपनाई गई उससे साफ है कि अरविंद जी को भी मालूम है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वो आरोप उन्होंने खास मकसद से लगाए हैं। राहुल की छुट्टी के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पहले अपने मुद्दे और अपने नेता को ढूंढ ले पार्टी। इंस्टेड ऑफ रेजिंग नॉन इश्यूज एंड फिक्शनल इश्यूज, दे शुड रियली कॉन्सेंट्रेट एंड फाइंड आउट वेयर इज देयर लीडर। बीजेपी अध्यक्ष के हमले से बिगड़ी कांग्रेस। राज बब्बर ने कहा, बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष का काम कमियां ढूंढना ही होता है। कांग्रेस अब आम लोगों से भी जुटाएगी चंदा। पार्टी प्रवक्ता टॉम वडक्कम ने कहा, हम आम हिंदुस्तानियों के मुद्दों को तवज्जो देंगे। मोदी सरकार के 10 महीने पूरे होने पर हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव। 8 अप्रैल को कैबिनेट विस्तार होने की खबर। मोदी सरकार का यह दूसरा विस्तार होगा। मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल की तैयारी। दो राज्य मंत्रियों का बढ़ सकता है ओहदा। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी और मनोज सिन्हा को प्रमोशन संभव। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी कैबिनेट में हो सकती हैं शामिल। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी पीडीपी में है गठजोड़। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना का कोटा बढ़ाने के संकेत। अनिल देसाई को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। आसनसोल में ईंट भट्टे के मालिक जुवल घोष ने हाईटेंशन टावर से लटक कर की खुदकुशी। प्रशासन ने दिया था 250 ईंट भट्टा मालिकों को कारोबार बंद करने के लिए नोटिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। परिवार ने कहा, भट्टा चलाने के लिए बैंकों से लिया था भारी कर्ज। परेशान होकर घोष ने की खुदकुशी। राजस्थान के उदयपुर में सामने आए पुलिस की जाति। मानसिक रोगी की थाने में की बेरहमी से पिटाई। पुलिस या जुर्म के बाद बेहोश हुआ पीड़ित। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आलू किसान ने की खुदकुशी। सिविल इंजीनियर की डिग्री होने के बावजूद करता था आलू की खेती। 27 साल के युवा किसान ने बाजार से लिया था फसल के लिए भारी कर्ज। वाजिब कीमत ना मिलने के बाद परेशान होकर की खुदकुशी। टीवी में धमाका होने से 2 बच्चों की हुई मौत। दिल्ली के गाजीपुर इलाके की खोड़ा कॉलोनी में हुआ हादसा। मृतक बच्चों की उम्र 3, 3 और 4 साल। कार्टून देखते वक्त अचानक फटा टीवी। घर में लगी थी आग।
धुआं उठता देखकर पड़ोसियों ने बच्चों को बाहर निकाला। बाहर से दरवाजा बंद कर बाजार गई हुई थी बच्चों की मां। खाना खिला के सुला के चले गए थे मंडी सब्जी लेने, और ये टीवी में ब्लास्ट हो गया, तो इस वजह से वो टीवी में आग लग गई। महाराष्ट्र के अकोला में छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी एक और शिक्षक गिरफ्तार। अब तक कुल 3 शिक्षकों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के अकोला में 49 छात्राओं ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। पहले 3 टीचर हुए थे गिरफ्तार। 31 मार्च को सामने आया शारीरिक शोषण का मामला। 1 अप्रैल को दर्ज हुआ केस। आरोपी टीचर पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। दोनों प्रैक्टिकल की परीक्षा में नंबर नहीं देने की दे रहे थे धमकी। महाराष्ट्र के पालघर के स्कूल में भी आया यौन शोषण का केस। 3 छात्राओं ने 1 टीचर पर लगाया आरोप। घरवालों की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार। कठुआ में ऊझ नदी की बाढ़ में फंसे 6 बच्चों समेत 26 लोगों को बचाया गया। सभी लोग गुर्जर परिवार के थे। मथुरा में किसानों में एक्सप्रेस वे पर लगाया जाम। बेमौसम बारिश और ओले से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग। किसानों ने सरकार से 15,000 रुपए प्रति एकड़ मांगा मुआवजा। सूखे के बकाए मुआवजे का भी उठाया मुद्दा। यमन से मुंबई लौटे 334 भारतीय। बीती रात इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा विमान। हम लोग 8-10 दिन से ऐसे ही हम लोग कुछ बाहर निकलने की कोशिश किया, नहीं हुआ। एयरपोर्ट बंद कर दिया, पोर्ट बंद कर दिया, उधर से निकलने का रास्ता नहीं है। हम लोग एक्चुअली उधर से एक फ्लाइट भी बुक करके आने के लिए कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं है। कुछ एयरपोर्ट पर भी यमन से लौटे 330 भारतीय। अब तक करीब 1,000 भारतीयों की यमन से हो चुकी है वापसी। श्रीलंका नेवी ने 33 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। 5 बोट भी किया बरामद। बाढ़ की चपेट में अमेरिका का केंटकी शहर। कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से बड़ा खतरा।